अभी मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। हमारे पंजाब से आए हुए मेहमान तिलमीद हजरत अल्लामा अली शेर हैदरी फाजिल जामिया हैदरिया हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान हैदरी साहब को कि वो आए और आपसे मुखातिब हो। नारे तकबीर शान मुस्तफा शान सहाबा शान अहल बैत नारे तकबीर। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وقال في الموضع الآخر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين कोनैन की तखलीक का आका तो सबब है। कोनैन की तखलीक का आका तो सबब है। इस्लाम का मफहूम तेरे दर का अदब है। ताहा से आया है तेरी सीरत का कसीदा। कुरान में यासीन तेरा नाम लकब है। वल्फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत। वल्लैल तो आका तेरे जुल्फों का लकब है। मेरे वाजिब अल-एहतराम कबल सत तकरीम भैयो दोस्तों बुज़ुर्गो, आज की ये बाबरकत महफिल सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वन है और आप जिस जगह पे बैठी हैं वो जगह भी पाक है। मैं तमाम तर ज़िम्मेदारों का और तमाम तर आने वाले साथियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाल कर हमारी मरुज़ात को सुनने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, सीरत का उन्वान बहुत बड़ा वसी उन्वान है। आपने उलमा कराम से सीमात फरमाया होगा। आप हजरात की चंद मिनट की तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप हजरात की तवज्जो रही तो चंद ही लम्हों में आप हजरात के सामने अपना मौक़िफ़ रख के इजाज़त चाहूँगा। जितने साथी आ चुके हैं बस आ चुके हैं, एक हो चाहे दो हो, लाखों का मजमा हो करोड़ों का मजमा हो, हमारा नज़रिया यह है कि अगर एक साथी भी हमारे नज़रिए के साथ मिशन और मौक़िफ़ के साथ जुड़ गया तो हमारी कामयाबी है। सीरत कहते हैं किरदार को।
सीरत कहते हैं गुफ्तार को, सीरत कहते हैं उठने को, सीरत कहते हैं बैठने को, सीरत कहते हैं चलने को। यानी कि अल्लाह के पाक पैगंबर की हर एक एक अदा सीरत है, और उसी में से जिसी एक का भी हमने ज़िक्र करना है उसका एक अलहदा उन्वान होगा। उठने का अगर ज़िक्र करेंगे तो सीरत है, सीरत उठने को कहती हैं, तो उठना एक अलहदा उन्वान है जिस उन्वान की तह तक पहुँचने के लिए आपको और हमें बैठकर गौर व फिक्र करने से एक दिन और एक रात लग सकती है। उठने की फजीलत बाकी रहेगी। सीरत बहुत बड़ा वसी उन्वान है। आज दुनिया सीरत सीरत की बात करती है, आज दुनिया सूरत सूरत की बात करती है, आज हर गली महफिल कूचे में तेरे और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तज़किरे हो रहे हैं। इसमें हमें कोई इख्तलाफ नहीं, सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू होती रहे हर लम्हा, हर वक़्त, हर आन, हर घड़ी सीरत के उन्वान पर गुफ्तगू होती रहे। अपने करे तब, बिगाने करे तब, काफिर करे तब, मुशरिक करे तब, यहूदी करे तब, ईसाई करे तब, मानने वाले करे तब, ना मानने वाले करे तब, मखसूस सीरत के ऊपर गुफ्तगू है। जिस अंदाज में करेगा सीरत का अपना उन्वान है। मुझे अपने विजदान में कहने दे, सीरत एक लफज नहीं है, सीरत एक खुशबूदार फूल है। अगर सीरत का लफ्ज मुंह से निकालेंगे इससे फूल निकलेंगे, इससे खुशबू निकलेगी, उसी खुशबू में से सारा मजमा महक जाएगा। ये पैगंबर की सीरत है। अगर मैं पैगंबर की सीरत का उन्वान यहां से उठा दूं कि मेरा महबूब मुस्तफा चला था, चलने को अगर सीरत कहते हैं, पैगंबर मुस्तफा चले थे, किसके लिए चले थे, हिजरत के उन्वान आपके दिमाग में होगा। पैगंबर मुस्तफा चलते चलते किसके दरवाजे पे गए। आज दुनिया सीरत सीरत की बात करती है, दुनिया गुफ्तार गुफ्तार की बात करती है, दुनिया किरदार की बात करती है। आओ तुम्हें किरदार याद है, आओ तुम्हें अखलाक याद है, आओ तुम्हें सीरत याद है। ये सीरत क्यों याद नहीं है कि नहीं है? ये सीरत क्यों याद नहीं? इसी सीरत को सामने रखते हुए अगर पैगंबर का किरदार है, तवज्जो है आप हज़रात की, इशारे देने हैं मैंने, सीरत इशारे, गुफ्तगू नहीं करने, सीरत इशारे देने हैं। हमने आगे सफ़र करना है, जो मिशन हक निवाद है वो भी आपके सामने रखना है इंशाअल्लाह। सीरत का उन्वान चलना है, सीरत का माना चलना है। तेरे और मेरे पाप पैगंबर चले, चले या नहीं चले, चले या नहीं चले, और खुद भी चले, दूसरों को चलना भी सिखाया। जिसको दुनिया अलीजुल मुर्तजा कहती है, किसी के घर में चल कर गए उसे दुनिया सिद्दीक अकबर कहती है। मैं तो तसव्वुरात की दुनिया में जाकर पैगंबर मुस्तफ़ा से पूछा, ऐ पैगंबर आप चले क्यों? फरमाया मैं चला नहीं बल्कि चलाया गया हूँ। तवज्जो है आजाद की, मैं चला नहीं मैं चलाया गया हूं, ताकि दुनिया को पता चले जहां जहां पर मेरी सीरत का उन्वान हो, जहां जहां पर मेरी सीरत के तस्कर हो, साथ साथ ही सिद्दीक अकबर का तस्कर हो। सीरत अधूरी है, सिद्दीक का जिक्र ना हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र हो तब भी सीरत अधूरी है। जहां पर सीरत मुस्तफ़ा का जिक्र होगा साथ सीरत सहाबा का जिक्र होगा, ये सीरत पूरी है। अब पैगंबर मुस्तफ़ा चल चल कर, चल चल कर, चल चल कर जा रहे हैं। ये मैंने चल 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 कर क्यों कहा है? इसलिए कि जब पैगंबर चला तो दुश्मन जला, पैगंबर चला तो
दुश्मन जला, पैगंबर चलते 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 यार गाज़ सिद्दीक अकबर के घर में पहुंचे। दुश्मन जलते 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 आज भी जल रही हैं, कयामत की सुबह तक इंशाल्लाह जलते रहेंगे। जिस शक्ल में भी हो, जुब्बा पहन कर हो, कुब्बा पहन करो, तस्बीह लेकर हो, पगड़ी पहन करो, दाढ़ी रख कर हो, दुश्मन दुश्मन होते हैं। चाहे वो सहाबा का दुश्मन हो, चाहे पैगंबर मुस्तफ़ा का दुश्मन हो। पैगंबर चल पड़े, दरवाजे पर पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा होगा कि दुश्मन का क्या हाल है। दुश्मन ने सोचा कि आंखें खुली, तवज्जो है पदरात की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूँ मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदाज में। वो फरमाते हैं कि दुश्मन की आंख खुली क्योंकि दुश्मन तो अंधा हो चुका था। आज लोग पैगंबर मुस्तफ़ा के इनकलाब को कामयाब, पैगंबर को कामयाब नहीं मानते। दुश्मन तो अंधा हो चुका था, अब जब उनकी आंखें खुली तो दरवाजे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर पहुंचे तो जैसे दरवाज़ा खुला तो सामने देखा तो एक चरपाई पड़ी है, उसके ऊपर बिस्तर मुस्तफ़ा पड़ा है, उसके ऊपर एक बंदा लेटा हुआ है, सब्ज रंग की चादर है। दुश्मन ने क्या समझा? मेरे ऊपर आपका सवाल है, मेरा सवाल आप पर है। दुश्मन ने क्या समझा? नबी, आज भी दुश्मन अली को नबी समझ रहे हैं नहीं समझ रहा? अकीदा और नज़रिए की बात है, ये बात हक निवाज अगर ना उठाता आपको हमें समझ ना आती। दुश्मन ने अलीजुल मुर्तजा को नबी समझा, जिसे नबी समझा जा रहा है वो नबी नहीं होता, जिसे सिद्दीक समझा जा रहा है नबी उसी के पास है। अली आराम के साथ सोया हुआ है। मैंने तसव्वुरात की दुनिया में जाकर पूछा, अली आप आराम के साथ क्यों सोए हुए हैं? फरमाया कि जो अमानते मेरे पास थी वो इतनी कीमती नहीं थी। सिद्दीक अकबर से पूछा कि आप क्यों नहीं सोए, आप क्यों जाग रहे थे? फरमाया कि जो अमानत मेरे पास थी वो इतनी आला थी, खजाने में सिर्फ एक थी। आज दुनिया कहती है दुनिया कहती है कि सिद्दीक अकबर का चौथा नंबर भी नहीं है, पहला नंबर अलीजुल मुर्तजा का है। हम आपसे यह नहीं कहते कि पहला नंबर आप दें या आपका बाबा दे या आपका परदादा दे या कोई और दे, नंबर जिसने देने हैं उसने नंबर दे दिया। अब दुश्मन अपनी आंखें मलकर पैगंबर के घर में जब पहुंचा, अली के चेहरे को देखकर इससे पहले कहते हैं नबी सोया हुआ है, लेकिन नबी वहां नहीं था, अली था। इसलिए कि दुश्मन के दिमाग में अलीजुल मुर्तजा नहीं था, दुश्मन यह समझ रहा था कि नबी सोया हुआ है। जो दुश्मन का नजरिया है वो दुश्मन अली का नजरिया है, जो दुश्मन का नजरिया है दुश्मन सिद्दीक का नजरिया है, जो दुश्मन का नजरिया है दुश्मन उमर का नजरिया है, जो दुश्मन का नजरिया है दुश्मन उस्मान का नजरिया है, जो दुश्मन का नजरिया है दुश्मन अमीर मुआविया का नजरिया है। वो उस वक्त से लेकर आज तक अली को नबी मानते 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 अल्लाह ने फरमाया कि वो उस दिन से अंधा है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। वो उस दिन से अंधा है, काना भी है, अंधा भी है, आंखों का अंधा भी है, दिल का अंधा भी है, घूंगा भी है, सुन भी नहीं सकता, इसलिए कि मैंने उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर मैंने मोहर लगा दी। अब उसके दिमाग में पहचान नहीं रही कि अली कौन है, नबी कौन है। यहां तो ये मसला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह बात चल रही थी, चलने पर तवज्जो है बात की, पीछे वाली बात, बात चल रही थी सीरत की। सीरत का मानना चलना है, जब पैगंबर चल कर गया ये पैगंबर की सीरत है कि नहीं है?
और अब कोई इसी सीरत के उनवान से इनकार करे वो कौन है? बोले जरा बोले वो कौन है? बुलंद बुलंद आवाज से गैरतमंद बने वो कौन है? दुश्मन सहाबा से नहीं कह रहा, दुश्मन सहाबा को नहीं कह रहा, बल्कि उसे कह रहा हूं जो पैगंबर की सीरत का इनकार करे वो कौन है? ये हम नहीं कह रहे, जो भी करे, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे रवाफिज हो, दुनिया का कोई मजहब वाला पैगंबर की सीरत का इनकार करेगा वो कौन है? अब ये बात तो आ गई पैगंबर के चलने की। अब दूसरी पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है हाथ उठाना। तवज्जो है हज़रात की, हाथ उठाना पैगंबर की सीरत है। अब तेरे लिए कोई हाथ उठाए उसे सीरत कह सकते हैं? मेरे लिए कोई हाथ उठाए, कोई कुतुब, कोई अबदाल, कोई वली, कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस, उसे सीरत कहेंगे? नहीं। अब जिसके लिए पैगंबर हाथ उठाए, तवज्जो है हज़रात की, इशारे दे रहा हूं ताकि मिशन हक निमाज आपके दिमाग में बैठे, किसके लिए हाथ उठाए? ये हाथ उठाना पैगंबर की सीरत है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तसव्वुरात की दुनिया में जाकर पूछा, ऐ पैगंबर मुस्तफ़ा आप हाथ क्यों उठाते हैं? फरमाया कि हाथ मैं नहीं उठा रहा, रब की मर्जी से हाथ उठा रहा हूँ। जिसके लिए हाथ उठा रहा हूँ दुनिया उसे फरूक आजम के नाम से जानती है। मैंने काबे के गिलाफ को पकड़ कर जिसके लिए हाथ उठाने हैं दुनिया उसे फरूक आजम के नाम से जानती है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप हाथ उठाओगे दुश्मन इतराज करेगा, हाथ उठाओगे दुश्मन को इतराज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुश्मन को इतराज हो या ना हो, लेकिन मेरे मोहम्मद मुस्तफा के रब को यह पसंद है कि हाथ पैगंबर उठाए, भेजने वाला मैं हूं। ये हाथ उठाना पैगंबर की सीरत है। हाथ उठाना क्या है? पैगंबर की सीरत है। इधर हाथ उठे, इधर हाथ उठे, तवज्जो है हज़रात की, इधर हाथ उठे दुआ के लिए, दिल फेरने वाले रब ने दिल फेर दिया। रब कल भी वही था, रब आज भी वही है, दिल फेरने वाले रब ने दिल फेर दिया। दुश्मन की मजलिस लगी हुई है, पैगंबर मुस्तफ़ा रो रो कर दुआ मांग रही हैं और दुआ मांगी या अल्लाह इस्लाम को अगर इज्जत देनी है, तवज्जो जुमले पे तवज्जो करना, बड़े कीमती जुमले हैं। या अल्लाह अगर इस्लाम को इज्जत देनी है, उमर बिन खताब के ज़रिए या अमर बिन हशाम के ज़रिए इज्जत भी दे दे, इस्लाम को कुव्वत और ताकत भी दे दे। इसी हदीस पर डेरा इस्माइल खान में एक लानती ने इतराज़ किया, नकल कुफर न कुफर न बाशद। उसने कहा कि ये दुआ जो रसूलुल्लाह ने मांगी है अल्लाह ने उमर बिन खत्ताब दे दिया, अब उमर बिन खत्ताब ही देना था, घर में कोई और उमर नहीं था। आपकी तवज्जो नहीं थी। दुश्मन इतराजात ऐसे करते हैं कि सादा लोग हमारे मुसलमानों को पता भी नहीं चलता। उसने कहा है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो उमर मांगा है, उमर अल्लाह ने बहर वाला उमर क्यों दिया, अंदर वाला उमर क्यों नहीं दिया? अब उस लानती को पता ये नहीं है कि अबू जहल का नाम अगर अमर बिन हशाम था तो उमर नहीं था, अमर बिन हशाम था। उसने एक बार में अल्लाह की भी तुहीन, रसूलुल्लाह की भी तुहीन, हजरत उमर की भी तुहीन। अल्लाह के फजल करम से उस पर एफआईआर कटी, वो आज भी लानती अंदर है, इंशाल्लाह उसको सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। ये इतराज है उसका दुआ पर। अब मजलिस लगी हुई है कुफार की, मजलिस ये लगी हुई है कि मोहम्मद को कत्ल करेगा कौन? बाबा जी थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। दुश्मन कह रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करेगा कौन? उतबा कहते हैं अखनत बिन शरीक, अखनत बिन शरीक कहते हैं फलां, फलां कहते हैं फलां, फलां कहते हैं फलां। ये चलती चलती उंगल चलती चलती उमर पर आकर रुक गई। सब ने कहा कि उमर तू ही जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करेगा।
अब उमर तैयार हो गया, ऊपर फैसला था कि उमर के दिल को बदलना है। उमर यहां से जैसे उठा, तवज्जो, उमर जैसे उठा, उमर उठ पड़ा, उमर चल पड़ा, दुश्मन जल पड़ा। उमर चलते चलते पैगंबर के कदमों में, दुश्मन जलते जलते आज भी जल रहा है, कयामत की सुबह तक इंशाल्लाह जलता रहेगा। जब उमर उठा, उसके उठने का अंदाज कुछ और था। उमर चलते चलते पैगंबर के कदमों में, मुझे अपने अंदाज में कहने दे, पैगंबर मुस्तफा की सीरत, अगर दुआ मांगना है तो दुआ मांगने के लिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने उमर को मांगा है, इस अंदाज में कहने दे। कभी पैगंबर मुस्तफा चलकर सिद्दीक के अकबर के दर पर जाते हैं, अब चलकर जाना पैगंबर की सीरत है। कभी उस किसी के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अब हाथ उठाना पैगंबर मुस्तफा की सीरत है। मुझे इस अंदाज में कहने दे, सिद्दीक के अकबर की सदाकत पैगंबर की सीरत है, उमर की अदालत पैगंबर की सीरत है, उस्मान का हया पैगंबर की सीरत है, अली मुर्तजा की शुजात पैगंबर की सीरत है, हजरत हसन हजरत हुसैन की सीरत पैगंबर की सीरत है, अमीर मुआविया की सियासत पैगंबर की सीरत है, सहाबा की सीरत पैगंबर की सीरत। ऐसे है कि नहीं है? ऐसे है कि नहीं है? आज भी एक तबका कहते हैं वो लाख मरतबा पैगंबर की सीरत के जलसे करे, लाख मरतबा महफिल मिलाद पे नाम पर कुछ भी करे, सलीबे ले गए, खैरात करे, लेकिन वो पैगंबर को कामयाब नहीं मानता, हम उसे कतल भी मुसलमान नहीं मानते। मेरे पाप पैगंबर को इनकलाब वाले पैगंबर को इनकलाब नहीं मानता, वो आज भी इसी नजरिए पर कायम है। मैं कुर्बान जाऊं अलामा हकरीमा झंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात अकदस पर, कुर्बान जाऊं इमाम अहले सुन्नत की अंदाज पर, वो फरमाया करते थे जब दुश्मन पैगंबर को कामयाब नहीं मानता, उसे हम मुसलमान कैसे कह दें? मुसलमान कैसे कह दें? हम इतने कमजोर हो गए बाबा जी, थोड़ी सी तवज्जो, हम इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए, वो आज भी दुश्मन सहाबा दुश्मन पैगंबर, पैगंबर पर बक बक करते हैं, सहाबा पर भी बक बक करते हैं। हम कहते हैं छोड़ो जी, छोड़ो जी, छोड़ो जी, वो छोड़ते 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 दीवार के किनारे पर लग गए, वो हम उसको जब छोड़ दिया तो वो कहाँ से कहाँ तक सरों पर बैठ गए। जब पैगंबर की खत्म नबुव्वत का इनकार होगा, सहाबा की इज्जत और अजमत का इनकार होगा, फिर उसके बाद कुरान का इनकार होगा, औलिया अल्लाह का इनकार होगा, इसके बाद अल्लाह की वहदानियत का इनकार होगा। अलामा अली शेर हैदरी शहीद के अंदाज में कहने दे, जब तूने अल्लाह की वहदानियत का इनकार किया, तू मुसलमान कैसे? जब तूने पैगंबर की खत्म नबुव्वत का इनकार किया, तू मुसलमान कैसे? जब तूने सहाबा की इज्जत और अजमत का इनकार किया, तू मुसलमान कैसे? जब तूने कुरान की इज्जत और अजमत का इनकार किया, तू मुसलमान कैसे? बल्कि तू काफिर है, 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 है। हम उसके कुफर में तवज्जो, तवज्जो, हम उसके कुफर में कतान भी जरा बराबर भी शक नहीं करते। कोई मेरा मौलवी, कोई जुब्बे वाला, कोई कुब्बे वाला अगर ये कह दे मैं उनको रत्ती बराबर मुसलमान समझता हूँ, आपने ईमान की सलाह करें। पैगंबर मुस्तफ़ा की सीरत की बात है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया, तवज्जो, आखिरी बात, बात ख़त्म। एक जनाजा आया मुनाफिकीन के सरदार का, ऐसा लानती था कि अमियाशा पर तोहमत लगाया करता था, ऐसा लानती था हजरत उस्मान बिन अफान पर तोहमतें लगाया करता था, गुस्ताखी किया करता था, और लोग रहमत रहमत की बात करते हैं कि मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन है,
جہاں پر رحمت کی ضرورت ہو تو رحمت کی بات کرتے ہیں، جہاں پر پیغمبر کے کردار کی بات ہو تو کردار کی بات کرتے ہیں۔ جنازہ آیا، اب صفے لگ چکی ہیں، اب صفے لگ چکی ہیں، پیغمبر مصطفیٰ تیار ہو چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر کے چہرے پر جلال تھا، غصے میں آ گئے، برداشت نہ ہوا، پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر کے کان میں جا کر فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ اس لانتی کا جنازہ پڑھائیں۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا، عمر تیری غیرت اپنی جگہ پر ہے، تجھے اپنی غیرت پر ناز ہے، مجھے اپنی رحمت پر ناز ہے۔ تیری غیرت کو سامنے رکھوں یا اپنی رحمت کو سامنے رکھوں، فیصلہ اوپر جائے گا۔ اب فیصلہ اوپر جائے گا، یہ بات کہنے کی دیر تھی، فوراً جبرائیل امین اتر پڑا اور فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کا جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے، منافق کی قبر پہ کھڑا ہونا بھی آپ کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں، ہاتھ ملانے سے کچھ نہیں ہوتا، گلے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک طرف ہمارا نعرہ ہے صحابہ کا منکر کافر ہے، دوسری طرف ہم ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ایک طرف نعرہ ہے صدیق کا منکر کافر ہے، دوسری طرف ان کی حمایت کر کے ان کو سینے سے لگاتے ہیں۔ میری مراد قید کراچی نہیں ہے، میری مراد ہر سنی ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہو، دشمن صحابہ سے اگر پیار بھی کرے وہ اسی حدیث کو سامنے رکھے۔ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن صحابہ ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، نکاح، ان کو قبرستان میں، ان کو اپنی مسجدوں میں، ان کو لانا حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ جو ان کے ساتھ اٹھے گا، بیٹھے گا، کھائے گا، پیے گا، رشتہ کرے گا، نکاح کرے گا، تعلقات بنائے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اٹھاؤ فتاوی امام اہل سنت رحم اللہ تعالی، اٹھاؤ ہمارے علماء دیوبند کے فتاوی جات اٹھاؤ، آج بھی یہ حدیث صفحہ فرشت پہ پہلے نمبر پہ نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آخر میں یہ کہوں گا، ہم حق نوازی ہیں، ہم کون ہیں؟ سب زبان بولے، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ حق نوازی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، جو اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ نعرہ لگاتے نا، خلافت راشدہ، کیا لگا دیا ہے؟ ایک نعرہ لگائیں ذرا، خلافت راشدہ، بلند آواز کے ساتھ، کیا لگا دیا ہے؟ خلافت راشدہ۔ جواب کیا آتا ہے؟ جواب کیا آتا ہے؟ پہلے حق آتا ہے یا یار آتا ہے؟ پہلے کیا آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حق پہلے سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ توجہ، میں ایک آخری جملہ دے رہا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حق پہلے سے ہے، مشن حق نواز پہلے سے ہے۔ یہ کوئی حق نواز نے نئی چیز ہمیں نہیں دی، کوئی اس نے نئی شرارت نہیں کی۔ اللہ خود فرماتے ہیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم۔ توحید کی بات ہر نبی نے کی ہے، اب پیغمبر مصطفیٰ توحید کی بات کر رہا ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مشن حق نواز پہلے سے ہے، حق پہلے سے ہے، باطل بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ حق آیا تھا حق نواز جھنگوی کی شکل میں، باطل آیا تھا خمینی کی شکل میں، حق آیا تھا حق نواز جھنگوی کی شکل میں، اور باطل آیا تھا روافض کی شکل میں، لیکن حق کل بھی کامیاب تھا، حق آج بھی کامیاب ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، خلافت راشدہ کا کیا معنی ہے؟ حق چار یار، یہ اس لیے اولائک ہم الراشدون، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں،
اولئک هم الراشدون, جو کامیاب ہیں وہ کامیاب ہیں کون ہے؟ صحابہ. اب انہی صحابہ کے تذکرے کرتے کرتے حق نواز جب آیا, صرف نواز تھا, اللہ نے ساتھ حق لگا کر بتا دیا حق نواز آپ اکیلے نہیں ہو, رب بھی صحابہ کے ساتھ ہے, رب کا حبیب بھی صحابہ کے ساتھ ہے, ساری کائنات صحابہ کے ساتھ ہے. آپ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ صحابہ لگاؤ گے, آواز لگانا تیرا کام ہے, تیری آواز کو ہر گلی ہر کونچے ہر قصبے ہر شہر ہر چوک میں پہنچانا رب کا کام ہے. اس لیے آپ کے آواز لگی یا نہیں لگی, آپ کے شہر میں آواز لگی یا نہیں لگی, آپ محنت کرو گے انشاءاللہ, محنت کرو گے انشاءاللہ, یونٹ بنو گے انشاءاللہ, مشن حق نواز پہ کیمپ کرو گے انشاءاللہ, اگر کوئی تکلیف ہے برداشت کرو گے, بلند ہاتھ بلند کریں, تکلیف ہے خدا نہ خواستہ برداشت کرو گے, مرنا تو ویسے ہے. صحابہ صحابہ کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے وہاں بھی کامیابی ہے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل.